हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। तो फ्रेंड्स देखंतु दशम पास पिला एक बहुत बड़ निजुक्ति आसी अच्छी एखापाखि 1500 रु भी अधिक पोस्ट निजुक्ति रोज आम ओडापे भी पोस्ट हो सबुठ बड़ कथा याजे आपण मैंने निज मोबाइल रे भी एप्लाय करें जदि आपने सिलेक्शन पाँच तेज मासिक आपण मैंने 18,000 पर्यंत सैलरी पाई फ्रेंड्स एपण मैंने किपर आप्लाय करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ए वीडियो शेष में मुझे कहबी जदि आपण मैंने पोस्ट अप्लाई करने इंटरेस्ट रखुंट तेब यह भिडियोटी को शेष पर्यटन देखु चलतु प्रथम आलोचना करवा जे कौन रही है ऑफिशियल नोटिफिकेशन टी फ्रेंड्स जदि आपण मैंने निज जिले आसुवा यह सरकारी जॉबर न्यूज पाया चाहूँ तेब आम चैनल टी सब्सक्राइब करनी भिडटी को भी गोटे लाइक कर दिंतु फ्रेंड्स देखु ए नोटिफिकेशन टी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन बा एसएससी तरफ हिं नोटिफिकेशन टी आसी अच्छी एथिरे केओ माने अप्लाई करि परिबे एथिरे ऑल ओडिसा रो पिल्ला माने अप्लाई करि परिबे आम ओडिसा रो समस्त जिल्ला रो पिल्ला माने एही पोस्ट अप्लाई करि परिबे उभय पुरुष ओ महिला प्रार्थी माने मध्ये एही पोस्ट अप्लाई करि परिबे जदि आमे सैलरी कथा कहिबा तबे 18,000 ठो स्टार्टिंग होई 56,600 पर्यंत आपनों के एथिरे मंथली सैलरी मिलि परिबो जहा के एक बहुत भलो सैलरी रहै छी। देखंतु एथिरे मोट 1558 बा पाखा पाखी 1600 पोस्ट पै एथिरे वैकेंसी रहै छी जहाँकि मेट्रिक पास पाने रही जदि आप केवल मेट्रिक पास थी तेज ये पोस्ट गुड़ आप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हो पोस्ट नेम ए मुख्यतः दुई प्रकार पोस्ट रही प्रथम थर रही MTS बा मल्टी टास्किंग स्टाफ। नेक्स्ट हो हवलदार ए हवलदार पोस्ट भी वैकेंसी रोक देखते दुईट ऑप्शन रही आपड़ी MTS अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करेंगे जदि आपंकर इंटरेस्ट अच्छी हवलदार पोस्ट अप्लाई करने चाहिए हवलदार पोस्ट भी अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट होची एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मुझे तो पूर्व कही यह केवल मैट्रिक पास पाई जदि आपंकर मिनिमम 10th पास मैट्रिक पास थी तेज पोस्ट अप्लाई करेंगे किसी परसेंटेज आवश्यक ना आपंकर एग्जाम अनुसार ही सिलेक्शन करदी आपंकर एग्जाम भल स्कोर होते निश्चित रूप सिलेक्शन भी पारे एथपाई किसी परसेंटेज भी आवश्यक ना जदि आप जस्ट पास करेंगे मैट्रिक तेज भी अप्लाई करें। यहाँ पर देखो एथपाई कौन सब आप्लिकेसन फी रही केवल जेनेल और ओबीसी पुओ पिला ही 100 टंका लेखाएं फी देवा पड़ो जदि आपने फीमेल बा महिला होते तो एथपाई कौन भी फी ना समस्त महिला फ्री रही SST PWD समस्त कैटेगरी पिला भी फ्री रही केवल जेनेल ओबीसी EWS पुओ पिला 100 टंका लेखाएं आप्लिकेसन फी देवा पड़ो जापारे। नेक्स्ट हो एज लिमिट देखो ए मिनिमम रही 18 वर्ष और मैक्सिमम 25 वर्ष बयस रही जेनेल मानी एज लिमिट जदि आपंकर ओबीसी हो तो आपण के अतिरिक्त 3 वर्ष मीनस 18-28 वर्ष पे भी एप्लाई करेंगे क्यों मैंने ओबीसी मैंने SST होते 5 वर्ष मीनस 18-30 वर्ष पे SST पे अप्लाई करें जो रही एक्स सर्विसमैन PWD यही मानक 10 वर्ष ये सुविधा मिल पार। यहाँ पर देखो एथपाई जो सिलेक्शन प्रोसेस रण र ना प्रथम आपन के CBT एग्जाम जहाँकि आपको कंप्यूटर माध्यम देवा पड़ो आपने जदि SSC CHSL SSC GD यही एग्जाम देते तो जानते आपंकर निकटस्थ एरिया ही एग्जाम सेंटर रोक अन्य कौन से जिला को भी जीवार आवश्यक ना निज एरिया ही एग्जाम सेंटर रखु जिते आपने अप्लाई करेंगे अप्लाई कला समय तीनो ऑप्शन सो कर एग्जाम सेंटर तो आपंकर जहाँ भी जिला हो जिला को सिलेक्ट करें एतु एग्जाम सेंटर नेम भी मेनसन अच्छी जिते अप्लाई कर आपको प्रोसेस कहबी नोटिफिकेशन PDF देखाइबी से समय सो करदेवि तो देखो तो प्रथम तो CBT एग्जाम सिलेबस भी मेनसन अच्छी मुझको देखादेवि जदि आपने हवलदार पोस्ट अप्लाई करेंगे तो हवलदार पोस्ट फिजिकाल टेस्ट रही जदि आपने MTS अप्लाई करेंगे तो एथपाई कौन भी फिजिकाल ना केवल हवलदार पोस्ट ही रही जदि आपने MTS अप्लाई करेंगे तो दुईट एग्जाम रहा आपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रो तो फ्रेंड्स यही प्रोसेस द्वारा आपने सिलेक्शन पाई। यहाँ पर देखो जिते बड़े आपने अप्लाई करेंगे अप्लाई कला समय किसी इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट गुड़िकर आवश्यक पड़ो तो थोड़े देखनी क्यों क्यों डॉक्यूमेंट गुड़िकर आवश्यक पड़ो प्रथम तो रही आपंकर ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और तार मार्कशीट PDF आवश्यक पड़ पाए कि तार सर्टिफिकेट नंबर भी आवश्यक पड़ पाए अप्लाई कला समय चेक करेंगे जेपरिक मैट्रिक पास जेहतु ये मैट्रिक पास रही तेणु आपने मैट्रिक पास जहाँ भी आपंकर प्रूफ थी प्रूफ को अपलोड करेंगे। नेक्स्ट हो फोटो जहाँकि स्कैन होता एक फोटो कास्ट सर्टिफिकेट आवश्यक ना केवल नंबर आवश्यक पड़ पाए।
नेक्स्ट हूँ आई डी प्रूफ रे आधार कार्ड नंबर आवश्यक पड़ो। तो फ्रेंड्स जितेबाला आप्लाय करेंगे आप्लाय कला समय यही किसी डॉक्यूमेंट आवश्यक पड़ो। नेक्स्ट हूँ आप्लिकेसन मोड देखो एथपाई ऑनलाइन आप्लिकेसन मोड रही निज मोबाइल द्वारा ही आप्लाय करेंगे। मुझक प्रोसेस भी कहि स्टार्टिंग डेट जहाँकि स्टार्ट हो सारी 30 तारीख रु आपको 1 मंथ बा 1 मास समय मिल। तो फ्रेंड्स चलते एवं आलोचना करवा जे आपर एप्लाय करेंगे। फ्रेंड्स देखो एपड़ आप्लाय करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टी कह नोटिफिकेशन पीडीएफ सिलेबस एग्जाम सेंटर ए समस्त विषय मुझे जनइबी एथपाई आपने शेष पर्यटन देखे नि। प्रथम आपज मोबाइल या गूगल को ओपन करूँ। ओपन कला सर्च बक्स क्लिक करूँ। यापर सर्च करूँ कौन सर्च करेंगे सिंपली टाइप करूँ ओडिशा देन स्पेस लिखु जीओवीटी देन स्पेस लिखु जॉब देन लिखु डॉट देन लिखु इन देखिपे मोटर कौन टाइप कले सिंपली आप टाइप करेंगे। टाइप कलापर पाखर या सर्च ऑप्शन उपर क्लिक करेंगे। देखो क्लिक कलापर कि समय लड़ हे यापर ओडिशा जीओवीटी जॉब रईट देखा मिल। तो फ्रेंड्स आपको यही ही गूगल प्रथम पेज में शो हो देखिपे मेनसन अच्छे ओडिशा जीओवीटी जॉब आपन के एक नेशनल फ्लैग सिंबल भी शो हो। तो सिंपली आपने साइट उपर क्लिक करूँ। देखो क्लिक कलापर आपको यही एक इंटरफेस टी शो हो। तो सिंपली आपने तलक तलक स्क्रोल ऑन करेंगे। देखो ये डिफरेंट कैटेगरी अनुसार जॉब गुड़िकर लिस्ट अच्छी आपर योग्यता अनुसार भी चेक करेंगे। शेष देखो एक मोर जॉब्स सेक्शन अच्छी देखो ये प्रथम मेनसन कर एसएससी एमटीएस पोस्ट रिक्वायरमेंट 2023 अप्लाई फॉर 1558 पोस्ट। देखो जदि आपको एठार भी 900 हुए तो एठार एक ऑप्शन अच्छे लॉर्ड मोर। तो एठार क्लिक करेंगे क्लिक करके भी चेक करेंगे। तो देखो किपर अप्लाई करेंगे सिंपली आप एसएससी एमटीएस लिंक उपर क्लिक करूँ। सॉरी फ्रेंड्स सिंपली क्लिक करूँ। क्लिक कलापर कि एडवर्टाइज आसो आप स्किप करेंगे। यापर देखु आपको ये पोस्टर समस्त इनफर्मेसन देखा मिल क्यों क्यों पोस्ट हो लास्ट डेट कौन रही प्रथम देखनी 21/7/2023 हूँ आप्लाय कर लास्ट डेट। नेक्स्ट हूँ क्वालिफिकेशन मेट्रिक पास रही। यापर देखु जो हवालदार पोस्ट होतीपाई कौन योग्यता आवश्यक पड़ो ना आपको 1600 मीटर रनिंग कराक पड़ो 15 मिनिट। देखू आपन को ये जो 1600 मीटर को वाकिंग आपको चली चली ही नॉर्मल स्पीड में कम्प्लीट कराक पड़ो। फीमेल होते 1 किलोमीटर 20 मिनिट आपको 20 मिनिट कम्प्लीट कराक पड़ो। यह हूँ केवल हवालदार पर एमटीएस पोस्ट पर किसी भी फिजिकल टेस्ट नहीं केवल एग्जाम द्वारा ही सिलेक्शन कर। हाइट वेट चेस्ट समस्त मेनसन कर भल भाव चेक करेंगे। एज लिमिट कौन रही से विषय भी लिखा जाए। आप्लिकेसन फी तो मुझको कही थी। एवं देखो इंपोर्टाट डेट कौन रही स्टार्ट डेट जहाँकि 30 जून रु स्टार्ट 21 जुलाई हूँ लास्ट डेट। आपंकर जो एग्जाम डेट रेब रही है ना सेप्टेम्बर मसरे एग्जाम र पेपर 2 एग्जाम केव रहा से विषय में किसी अपडेट ना तो जापारे एग्जाम विषय भी। एवं देखो शेष में आपको एक इंपोर्टाट लिंक देखा मिले एट नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक अच्छी शेष में आप्लाय लिंक अच्छी। तो प्रथम आपने नोटिफिकेशन पीडीएफ टी चेक करनी आप्लाय करेंगे। तो सिंपली आपने नोटिफिकेशन पीडीएफ ए लिंक उपर क्लिक करूँ। फ्रेंड्स देखो आपने से नोटिफिकेशन पीडीएफ टी डाउनलोड कलापर आपखे एभल एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ टी आसी। तो देखो ये प्रथम डेट मेनसन कर आपको तो ये डेट विषय पूर्व कही आपने चेक भी करेंगे ऑफिशियल मेनसन अच्छी। नेक्स्ट हूँ पोस्ट नेम मुझको तो कही एमटीएस पोस्ट सहित किसी हवालदार पोस्ट नेम भी वैकेंसी रही। देखो ये मोट रही पाखापाखी 1600 पोस्ट एमटीएस 1198 पोस्ट रही हवालदार पर 360 पोस्ट रही। एवं देखो सिंपली आपने 15 नंबर पेज को विजिट करूँ। एटे मेनसन कर सिलेबस कौन एग्जाम सेंटर क्यों रोज से विषय में मेनसन कर। तो सिंपली आप 15 नंबर पेज को विजिट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखो आप 15 नंबर पेज को विजिट कलापर एटे एग्जाम सेंटर नेम गुड़ी मेनसन अच्छे। तो सिंपली आपने ओडिशा को चेक करेंगे जे आम ओडिशा रा क्यों मेनसन अच्छी। तो देखो एटे ओडिशा रा भी मेनसन अच्छे देखिपे ओडिशा क्यों र ना ओडिशा बालेश्वर ब्रह्मपुर भुवनेश्वर कटक राउरकेला एवं संबलपुर रही सेंटर ही आपंकर एग्जाम सेंटर पड़ो। जदि आपने चाहते तो एमु जेकोसी भी तीनोटी एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट करेंगे। देखो आपंकर निकटस्थ जिला जहाँ भी थी से जिला टी प्रथम प्रिफरेन्स देते कारण से ही आपंकर एग्जाम सेंटर रही रही सिलेबस देखो कौन रही। तो फ्रेंड्स देखो ये सिलेबस रही
ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଥ୍ ରହିବ, ରିଜନିଂ ରହିବ ଏବଂ ଜି କେ ଜିଏସ୍ ରହିବ। ଏଠାରେ ମେନସନ କରାଯାଇଛି ପେପର ୱାନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଥ୍ ରିଜନିଂ ରହିବ, ପେପର ଟୁରେ ଆପଣଙ୍କର ଜି କେ ଇଂଲିଶ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ବି ଦିଆଯାଇଛି, ମାର୍କ ବି ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ 60 ମାର୍କ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାର୍କ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଆପଣମାନେ କିପରି ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ସିମ୍ପଲି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ଆସନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଏଇ ପେଜ୍ଟି ଶୋ ହେବ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, କ୍ଲିକ୍ ହିୟର୍ ଯାହାକି ଲଗ୍ଇନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ତ ଏ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେ ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି କିଛି ଶୋ ହେବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏସ୍ଏସ୍ସିରେ କିଛି ଜବ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଆଇଡି ସହିତ ପାସୱାର୍ଡ଼କୁ ଏଣ୍ଟର କରିବେ, ଏହାପରେ ଲଗ୍ଇନ୍ର ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏକ ଅପସନ୍ ଅଛି, ନ୍ୟୁ ୟୁଜର୍ ରେଜିଷ୍ଟର ନାଓ। ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ପ୍ରଥମେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବେ। ରେଜିଷ୍ଟର କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍କୁ ଏକ ଆଇଡି ସହିତ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆସିବ, ସେ ପାସୱାର୍ଡ଼କୁ ଏଥିରେ ଏଣ୍ଟର କରି ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫୁଲ୍ ଆପ୍ଲାଏର ପ୍ରୋସେସ୍, ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ନେଟ୍ଜନ୍କୁ ଯାଇ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, 50 ଟଙ୍କା ଫି ଲାଗିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍।